नगर में धूमधाम से मनाई गई भगवान विश्वकर्मा जयंती। मैथिलोजा समाज द्वारा भगवान विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर एक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सभी समाज के लोग चल रहे थे। वहीं पीछे रथ में भगवान विश्वकर्मा की मूर्ति भी विराजमान किया गया। यह शोभा यात्रा मैथिलोजा धर्मशाला से निकाली गई, जो शहर के मुख्य मार्गों से होती बाद में मानस भवन पहुंची। समाज द्वारा यहाँ प्रतिभाओं का सम्मान समारोह भी आयोजित किया गया, जिसमें समाज की प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। दिख रहा साक्षी मेडिकल कॉलेज का मामला। विगत दिनों साक्षी मेडिकल के छात्रों द्वारा हड़ताल के बाद आज सभी छात्र कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कॉलेज प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए। इसके बाद कॉलेज छात्रों ने प्रशासन को एक ज्ञापन भी सौंपा। आप पहले क्या करो, आई से कि वेबसाइट लिस्ट निकालो क्या ये फैकल्टी, फॉर एग्जाम्पल जैसे जी ए उनको फार्मेकोलॉजी पढ़ा है, फैकल्टी सब नान ऐसे लिखे कि इनमें से कोई नहीं आ रहा, देन वी कैन टेक एक्शन ऑन इट। एटलीस्ट वी हैव हमारे पास अगर कुछ कि बच्चे दो हैं, एक सौ 25 बच्चे जो मैं कंडीशन वो दिख रही है, actually there is a DNS certificate which is issued to every medical college, under which it is stated that after 1 year that if any fresh intake of batch has been taken, after 1 year if that college get debarred for the next 2 years, then the state government will take responsible for these students. So ma'am, if कोई भी कार्यवाही अगर सरकारी तरीके से होती है तो मैम हम लोगों का एडमिशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा कॉलेज है साक्षी मेडिकल कॉलेज, और यहाँ के कंडीशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल, ओपीडी यहाँ पे ज़ीरो है, कुछ भी वर्क नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। हमारे टीचर्स फेक प्रोफेसर्स बुलाते हैं, गेस्ट फैकल्टी आती है, एमसीआई जो रजिस्टर्ड डॉक्टर्स हैं वो नहीं आते हैं यहाँ पे, और क्लासेस रेगुलर नहीं लगती है, बस एक कोई परमानेंट फैकल्टी नहीं है। आप लोगों ने कॉलेज प्रबंधक है उससे उनसे बात करी तो क्या जवाब? बात करने की कोशिश की हमने डीन से, जो हमारे वाइस डीन है सत्य सर, डीन मैम, ये सब हमें अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार तो एमडी सर से बात की तो उन्होंने अपने आप को रूम में बंद कर दिया था, एंड उन्होंने फिर पुलिस को भी बुला लिया था, तो हमने फिर उनको फोर्स किया कि हमें चेयरमैन से बस हमें बात करनी है, पर उन्होंने कहा कि वो नहीं आ सकते। ये भी मैम ने आपको क्या आश्वासन क्या दिया है? उन्होंने बोला है कि वो हमारे कॉलेज में जाएंगी और इंस्पेक्शन करेगी, खुद देखेंगी। वो भी काफ़ी कन्विंस लगी हमारी चीज़ों से, हमारी चीज़ें देख के हमें प्रूफ जो दिए हैं उनसे, आई थिंक शी विल हेल्प अस। अभी आपकी जो हेल्प अगर नहीं होती तो उसके बाद आप क्या करेंगे आगे, क्या रहेगा आपका? विल वी टेक एक्शन ऑन अगर आपकी सुनवाई नहीं होती तो आप आगे क्या करोगे? हमारी सुनवाई क्यों नहीं होगी सर? मैं पूछ रहा हूँ, मैं अगर नहीं होती उसके बाद सुनवाई नहीं होगी। हमारे सी लेवल पर नीट अप्रूव स्टूडेंट्स हैं, हम लोगों ने नीट क्वालिफाई किया है, बहुत अच्छे स्कोरिंग मार्क्स थे, तो हम लोग ऑब्वियसली स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएंगे, हम लोग स्टेट हमारा हमें कुछ करेगी, हमें सब बुरा भरोसा पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ना ही वहाँ पर डॉक्टर्स अवेलेबल हैं पेशेंट्स के लिए, ना गायनेकोलॉजिस्ट है, ना डर्मेटोलॉजिस्ट है, कोई डॉक्टर कोई फैकल्टी नहीं है, और इवन ये सब फेक वो पेशेंट्स बुला रहे हैं, और कल परसों ये इन्होंने कम से कम 30-40 फेक पेशेंट्स को पैसे दे के बुलवाया था। हमारे पास सारे वीडियो, सारे प्रूफ्स हैं जो हमें हेल्प करेगी,
जब और भी MCI इंस्पेक्शन के लिए आती है, देखने के लिए आती है कि क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है, क्या हम नेक्स्ट बैच को यहाँ पे लेकर आने की अनुमति दे सकते हैं, तो ये क्या करते हैं, एक ऐसा मतलब इल्यूजन बनाने की कोशिश करते हैं कि हाँ हमारे यहाँ पेशेंट हैं, हाँ हमारे यहाँ डॉक्टर्स हैं। अगर कॉलेज के इंस्पेक्शन करते हैं तो सारे इंस्ट्रूमेंट भाड़े पर लाए जाते हैं, सारे वर्कर्स भाड़े पर लाए जाते हैं, सारे कॉलेज के डॉक्टर्स जो होते हैं उनको भाड़े पर लाया जाता है। हालाँकि उस वक्त नॉलेज नहीं था कि हम किस तरीके से या हमारे साथ ऐसा होगा, अदरवाइज इस चीज़ की नॉलेज होती कि जो ये कर रहे हैं उससे हमको इतना बड़ा नुकसान होगा, हमारी डिग्री संकट में जाएगी, तो उसी वक्त कदम उठाया जा सकता था। लेकिन अब जब ये पता चल रहा है तो हमारे पास, हालांकि यहाँ से कोई बोलने के लिए मुद्दा नहीं है कि कैसे MCI के वक्त इन लोगों ने ये झूठा झूठा जो भी था ये सब किया। और पर अभी और वर्क नहीं और हमारे राज्य बीमारी सहायता RBC के तहत लगाया गया मेडिकल कैंप, जिसके तहत जिला चिकित्सालय के रेड क्रॉस भवन में ये मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। इसमें राज्य बीमारी सहायता RBC के तहत मरीजों को बुलाया गया था, जिनका कि वेदांता हॉस्पिटल में इलाज होगा। यहां पर सभी मरीजों का स्टेटमेंट भी बनाया गया। जिला स्वास्थ्य समिति गुना की तरफ से हम लोगों ने कैंप का आयोजन किया है, जिसमें राज्य बीमारी और RBC के अंतर्गत मरीजों को बुलाया गया है। इन मरीजों के यहाँ पर सिद्धांत रेड क्रॉस हॉस्पिटल द्वारा एस्टीमेट बनाएंगे, इसके बाद इन हितग्राहियों को उनकी पात्रता के अनुसार इलाज के लिए पूरी उपचार की व्यवस्था की जाएगी। राज्य अध्यापक गुरुजी संघ द्वारा निकाली गई आक्रोश रैली, यह रैली प्रशासन को चेतावनी के लिए निकाली गई थी। वहीं गुरुजी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री पर कई गंभीर आरोप भी लगाए और कहा कि मुख्यमंत्री जो वादे करते हैं लेकिन उन्हें निभाते नहीं। सिर्फ एक ही मांग है कि गुरुजियों को प्रथम नियुक्ति दिनांक से वैधता दी जाए। गुरुजियों को वर्ष 1995 से 97 के बीच और 2003 में ऐसी जगह नियुक्त किया गया जहां पढ़ाने के लिए कुछ जनाधार नहीं था। हम लोगों ने जाके वहां सर्वे किए, बच्चों को इकट्ठा किया और वहां स्कूल खोल दिए प्रशासन ने, लेकिन अब वो गुरुजी आज अपनी प्रथम नियुक्ति दिनांक की वैधता के लिए दर दर भटक रहे हैं। माननीय CM साहब ने 21 जनवरी 2018 को हमको साजानी पार्क में, हम इसी तरह धरने पर थे तो बुलाया CM हाउस, चार बार बुलावा भेजा उनने। जब हम गए थे और हमको स्पष्ट उनने बोला कि गुरुजियों का जो भी मांगे हैं उनमें गुरुजियों का बरिश्ता क्रम भी होगा, लेकिन आज 8 से 9 महीने हो गए न तो माननीय से हम कई बार मिले, जनाजिबा यात्राओं में हर जगह हमारे साथी मिल रहे हैं, ज्ञापन भी दे रहे हैं, हजारों का ज्ञापन इकट्ठे हो चुके होंगे उनके पास, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं है। हम आप मीडिया भाइयों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि हमारी गुरुजियों को नियुक्ति दिनांक से वैधता दी जाए, जो गुरुजियों का हक है, जायज मांग है, इसलिए वो पूर्ण की जाए। कल हो सकता है कैबिनेट हो तो कल की कैबिनेट में गुरुजियों को नियुक्ति दिनांक से वैधता का प्रस्ताव पास किया जाए। जिला पंचायत कार्यालय में आयोजित की गई समीक्षा बैठक, जिला पंचायत द्वारा पंचायतों में हो रहे कार्यों की समीक्षा बैठक आज रखी गई, जिसमें पंचायतों का लेखा जोखा व कार्यों की समीक्षा की गई। हमें पता ही नहीं है।
अंबेडकर भवन में भारतीय मजदूर संघ द्वारा मनाई गई भगवान विश्वकर्मा जयंती। आज भारतीय मजदूर संघ द्वारा भगवान विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर अंबेडकर भवन में भगवान विश्वकर्मा जयंती मनाई गई, जिसमें मजदूर संघ के सभी पदाधिकारी, मजदूर संघ के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। क्योंकि अगर आपने अपने काम को मेहनत और ईमानदारी से किया तो कभी भी इसका परिणाम जो है आपको सकारात्मक मिलेगा, आपको नकारात्मक परिणाम भी मिलेगा। क्योंकि जो हम कमाई करते हैं। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि मजदूर भी दो प्रकार के होते हैं, कुशल और अकुशल। अंग्रेजी में कहते हैं स्किल्ड और अतिक्रमण हटाने गए नगर पालिका कर्मियों पर हुए हमले के विरोध में लामबंद हुए नगर पालिका कर्मी। आपको बता दें कि बांसखेड़ी क्षेत्र में नगर पालिका द्वारा हमला भेजा गया था, जहां अतिक्रमण हटाने पर अतिक्रमणकारियों द्वारा नगर पालिका हमले पर हमला कर दिया गया था, जिसको लेकर आज नगर पालिका कर्मी लामबंद हुए किया जाता है तथा घंटों बाहर खड़े करके इंतजार करवाया जाता है, तब कहीं जाकर बात हो पाती है, जबकि तब समय पुलिस बल मिलना संभव कभी नहीं हुआ। अतः श्रीमान से अनुरोध है कि दिनांक 15/9/2018 की घटना को दृष्टिगत रखते हुए कैंट थाना प्रभारी श्री उमेश मिश्रा को तत्काल कैंट थाने से हटाया जाकर अपराधियों के विरुद्ध कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद हम सब एक हैं। आगमन के लिए हमने कार्यपालन टीएई साहब, हरीश श्रीवास्तव यही साहब, नायब तहसीलदार गुप्ता जी और नगर पालिका के दीपक और पूरा स्टाफ हमला गया। और टेंट टीआई को पहले ही से अवगत करा दिया गया था कि हम लोग 11:30 बजे अतिक्रमण हटाने जाएंगे, और लेटर भी दे आए थे। और उनके दीवान जी जो इंचार्ज वोटा मुंशी, उसने कह दिया था कि हम भेज देंगे फोन, पुलिस बल हर हाल में उपलब्ध रहेगा। बाद में नहीं आया तो वहाँ के जो अतिक्रमणधारी थे उन लोगों ने हमारे स्टाफ के साथ झूमा झटकी मारपीट की। उसके बाद कोतवाली फिर गए, टीआई से मैंने बात की, एसपी से मैंने बात की, उसके बाद भी अब तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई। इसलिए हम लोग ज्ञापन देने आए हैं आज कल साहब, एसपी साहब को जाएंगे और अगर नहीं जाएंगे। ग्राम लहर कोटा में हुई राजकुमार रघुवंशी की हत्या के विरोध में आज ग्रामीणों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि विगत दिवस एसपी कार्यालय में भी ग्रामीणों द्वारा एसपी को आवेदन दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि अगर पुलिस प्रशासन जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करती तो ग्रामीणों द्वारा धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसके तहत आज ग्रामीणों द्वारा हनुमान चौराहे पर धरना प्रदर्शन किया गया। Gracias.